पहले प्रिंटफ वीडियो में वेरिएबल्स को डायरेक्ट वैल्यूज असाइन करके डिस्प्ले किया है। यूज़र कीबोर्ड के द्वारा एंटर करने से वो वैल्यूज लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करना है। स्कैनफ सिंटैक्स को कैसे लिखते हैं देखते हैं। स्कैनफ ब्रैकेट्स डबल कोट्स में फॉर्मेट स्ट्रिंग्स कॉमा लिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। फॉर्मेट स्ट्रिंग में वेरिएबल्स टाइप्स का फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लाइक परसेंटेज डी परसेंटेज एफ परसेंटेज सी देना है। लिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स में डिक्लेयर किया वेरिएबल्स को एम्परसैंड से देना है। इसके बारे में प्रोग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। जनरल प्रोग्राम्स लिख रहा हूँ। सी एल आर एस सी आर स्क्रीन को क्लियर करते हैं। गेट सी एच आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करते हैं। अब एंटर किया हुआ नंबर को डिस्प्ले करने का प्रोग्राम लिखते हैं। नंबर के लिए इंटीजर टाइप को लेते हैं। इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इंट वेरिएबल नेम नम सेमीकोलन। टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ एंटर ए नंबर। नेक्स्ट वैल्यूज एंटर करने से वो वैल्यूज़ को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए स्कैनफ फंक्शन लिखना है। स्कैनफ ब्रैकेट डबल कोट्स परसेंटेज डी कॉमा एम्परसैंड नम क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। एम्परसैंड को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। एम्परसैंड क्या करते हैं, मेमोरी में जो वेरिएबल है उसका एड्रेस देते हैं। माना इंटीजर नम अनडिक्लेयर करने से एक मेमोरी सेल एड्रेस को नम नाम रखते हैं। एम्परसैंड एड्रेस ऑपरेटर क्या करते हैं, उस नम वेरिएबल का एड्रेस देते हैं। तब स्कैनफ फंक्शन के द्वारा उस मेमोरी लोकेशन में यूज़र कीबोर्ड के द्वारा एंटर किया हुआ वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसीलिए स्कैनफ में वेरिएबल नेम के पहले एम्परसैंड को ज़रूर देते हैं। अब एंटर किया हुआ वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ एंटर नंबर इज इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी कॉमा नम वेरिएबल क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। नेक्स्ट आल्ट F9 प्रेस करने से कंपाइल होता है। एरर्स कुछ नहीं है। नेक्स्ट कंट्रोल F9 प्रेस करने से प्रोग्राम रन होता है। वैल्यू एंटर करके एंटर करने से वैल्यू नीचे डिस्प्ले होता है। ऐसे ही एक ही बार एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में भी वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं। पहले वेरिएबल्स को इंटीजर में डिक्लेयर करना है num1 कमा num2। नेक्स्ट कितने वेरिएबल्स में वैल्यूज एंटर करना है उतना फॉर्मेट स्पेसिफायर स्कैनफ में देते हुए हर वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट करते एम्परसैंड तो वेरिएबल के नाम देना है। प्रिंटफ में भी वो वैल्यू कहाँ डिस्प्ले होना है वहाँ उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर देते वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट करना है। प्रोग्राम को रन करके वैल्यू एंटर करना है। नंबर एंटर्स करके एंटर की प्रेस करना है। ऐसा तीन नंबर्स एंटर करना है। नंबर्स एंटर करने से एंटर किया हुआ नंबर्स नीचे डिस्प्ले होता है। एंटर करने वाला नंबर्स को सेपरेट करने के लिए एंटर की प्रेस करने से या स्पेस की प्रेस करने से या टैब की प्रेस करने से एंटर्ड वैल्यूज़ को अलग अलग में लेता है। स्कैनफ फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में स्पेस देने से या ना देने से भी एक ही जैसा काम करता है। फ्लोटिंग वेरिएबल को यूज़ करते हैं। फ्लोट F1 कमा F2 सेमीकोलन। वेरिएबल को कभी भी मेन के स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करना है। फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ ऐसे ही उसका वेरिएबल्स को भी चेंज करना है। प्रिंटफ में भी फॉर्मेट स्पेसिफायर को और वेरिएबल्स को चेंज करना है। अब रन करके डेसिमल पॉइंट से नंबर्स को एंटर करने से वो डेसिमल पॉइंट के साथ नंबर दिखाते हैं।
फ्लोटिंग डिफ़ॉल्ट में 6 डेसिमल पॉइंट से डिस्प्ले होता है। ऐसे ही कैरेक्टर वेरिएबल को भी देखते हैं। कैर सी एच कमा सी एच टू सेमी कोलम। कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी। ऐसे ही वेरिएबल्स नेम चेंज करना है। कैरेक्टर वेरिएबल ओनली सिंगल कैरेक्टर्स ही लेते हैं। नंबर एंटर करने से भी कैरेक्टर जैसा ही लेता है। एक ही बार डिफरेंट वेरिएबल्स में भी वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। ऐसा लिखते समय अटेंशन से लिखना है, जहाँ जो वेरिएबल चाहिए वहाँ उस फॉर्मेट स्पेसिफायर तो देना है, उसके बजाय अलग देने से वैल्यूज रॉन्ग डिस्प्ले होता है, कंपाइलेशन में एरर्स नहीं दिखाते हैं, रिजल्ट आउटपुट में रॉन्ग आता है। इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट्स लिखते समय अटेंशन से लिखना है। इसीलिए जो वेरिएबल को जो फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है वही देना है, तभी रिजल्ट करेक्ट आता है। ऐसा स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करते हैं।